गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो हिंदी में कुछ अर्थ दे रहा है, इंग्लिश में कुछ और लिख रहे हैं। ये मोस्टली कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में एरर फाइंड आउट में आता है या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है। तो दोस्तों, आज समझते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा और उसकी बनावट क्या होगी, और जब भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पेपर हम लोग देते हैं तो हमें हमसे क्या गलती हो जाती है, तो उसको समझते हैं और पता लगाते हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज अबाउट टाइम, ये कुछ भी आ जाए, इन सबका अर्थ जो रहेगा वो सही समय है या उचित समय है, आप कुछ भी बोल दीजिए। इनके बाद सब्जेक्ट आने पर आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है। इनके बाद अगर कोई सब्जेक्ट आ जाती है तो आपको सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है। असल में हम लोग कंफ्यूज आते हैं कि इज आ रहा है तो अगले सेंटेंस में भी प्रेजेंट होना चाहिए या शुड होना चाहिए, ऐसा हम लोग समझते हैं। और इसका जो अर्थ निकलेगा वो ऐसा निकलेगा कि सामने वाले को आगाह कर रहा है कि ये समय है, ये उचित समय है कि तुम ये काम करो, ये उचित समय है कि तुम्हें ये काम करना चाहिए। आप उसको हिंदी में कैसे भी समझ लीजिए, ये उचित समय है कि तुम्हें अंग्रेजी सीखना चाहिए, ये बिल्कुल सही समय है कि तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए, ये बिल्कुल उचित समय है कि तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। आप इसको हिंदी में ऐसे सोच लीजिए, लेकिन आपको इट इज टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज अबाउट टाइम के बाद आपको हमेशा सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है, ये आपको ध्यान देना है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में मोस्टली आप लोग गलती कर देते हैं। दोस्तों, चालू करते हैं, समझते हैं कि हम लोग इसकी बनावट को कैसे बनाएंगे। तो देखिए, लिखा हुआ है इट इज टाइम यू वेंट टू बेड, यू के बाद मैंने वेंट किया है, तो एरर यहां आ जाता है, यू गो आ जाएगा, विल आ जाएगा, हैज गॉन आ जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि सब्जेक्ट के बिल्कुल बाद आपको सेकंड फॉर्म लगाना है, अगर सब्जेक्ट आ रहा है तो इट इज टाइम के बाद। यह बिस्तर, यू वेंट टू बेड, यह बिस्तर में जाने का सही या उचित समय है, बहुत रात हो गई है, यह सही समय है कि तुम्हें बिस्तर में जाना चाहिए। अर्थ हम हिंदी भाषी इसको चाहिए के सेंस में लेंगे, बहुत देरी हो गई है तुम्हें बिस्तर में जाना चाहिए, बहुत देरी हो गई है तुम बिस्तर में जाओ, यह सही समय है तुम बिस्तर में जाओ, ये उचित समय है तुम बिस्तर में जाओ। आप इसको कैसे भी बोल ले, अगर सब्जेक्ट आ रहा है तो आपको सेकंड फॉर्म लगाना है, ये रूल है, आपको याद रखना है इसको, क्योंकि हम लोग अंग्रेजी भाषा पढ़ रहे हैं, इसको हिंदी से तुलना करने की कोशिश ना करें। इट इज टाइम यू शुड गो टू बेड, रॉन्ग हो जाएगा, ग्रामेटिकल रॉन्ग हो जाएगा, स्पोकन में चला लीजिए आप, स्पोकन में तो आपके सामने वाला भी आपके जैसे ही है, आप भी उसके जैसे, हमको तो उसको अपनी मीनिंग बताना है, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में रॉन्ग हो जाएगा। दोस्तों, ग्रामर कहती है कि इसके बाद सेकंड फॉर्म आना चाहिए। यह वही समय है जब तुम्हें बिस्तर में जाना चाहिए, आप चाहे ऐसा बोल दो, यह वही समय है, यह बिस्तर में जाने का सही समय है, उचित समय है, नहीं तो आपको देरी हो जाएगी, ऐसा सेंस निकल रहा है। आगे बढ़ते, एक बात और बता दूं, मैंने कहा है कि इट इज टाइम के बाद सब्जेक्ट आएगा तब हमको सेकंड फॉर्म लगाना है, ध्यान देंगे सब्जेक्ट आने पर, लेकिन इट इज टाइम टू गो टू बेड, देखो टू आ गया, टू आने पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ये रूल है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसको इन्फिनिटिव कहते हैं। इसका मतलब यही हो रहा है, इट इज टाइम टू गो टू बेड, ये बिस्तर में जाने का समय है, तो आपको क्या याद रखना है, सब्जेक्ट आएगा तब हमें सेकंड फॉर्म लगाना है, इनके बाद इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज अबाउट टाइम के बाद, फॉर्मूला लिख दिया मैंने। आगे बढ़ते, इट इज राइट टाइम ही वॉज गिवन अ रिप्लाई, यह उचित समय है कि उसे जवाब दिया जाना चाहिए। अब मैंने इस बार जवाब दिया जाना चाहिए, इसकी बनावट पेशी वाइज की है, तो इसको हमने कर दिया ही वॉज गिवन अ रिप्लाई। अब यहां पर हमको कुल वर्ब नहीं आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब नहीं आ रहा है, जो भी आ रहा है उसको हम लोग पास्ट टेंस करेंगे, तो ही इज गिवन अ रिप्लाई को हमने ही वॉज गिवन अ रिप्लाई कर दिया गया, पेशी वाइज की बनावट की है। अगर वर्ब आएगा तो सेकंड फॉर्म आएगा, नहीं तो इसके बाद में अगर कोई इजे मार वाली चीज आ रही है तो हमको उसको वॉज करना है, प्लूरल में वर करना है, ये पेशी वाइज की बनावट कि उसे जवाब दिया जाना चाहिए। इट इज हाई टाइम टू लर्न इंग्लिश, ये सही समय है कि तुम अंग्रेजी सीखो, टू आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म लगाया मैंने, सब्जेक्ट नहीं आ रहा, अगले में देखो, इट इज हाई टाइम यू लर्न इंग्लिश, देखिए यू के बाद मैंने इसको लर्न कर दिया, सेकंड फॉर्म कर दिया, दोनों का मतलब वही हो रहा है, ये उचित समय है कि तुम्हें अंग्रेजी सीखना चाहिए, ये उचित समय है कि तुम अंग्रेजी सीखो, आप इसको कैसे बोल लो, ये अंग्रेजी सीखने का उचित समय है, आप इसको कैसे बोल लो। आगे, हाँ, द क्वारल स्टार्टेड बिटवीन देम,
उनके बीच में झगड़ा शुरू हो गया. द क्वारल स्टार्टेड बिटवीन देम. उनके बीच में झगड़ा शुरू हो गया. इट वॉज हाई टाइम. अब मैंने इस बार वॉस लगाया है. इस बार मैं आपको सारी वैरायटी बता रहा हूं. मैं इट वॉज हाई टाइम, ये उचित समय था. आई टुक माई सेल्फ अवे. यहां पर भी आपको चाहे इट इज हाई टाइम आए चाहे इट वॉज हाई टाइम आए, आपको सेकंड फॉर्म ही लगाना है. आई टुक टेक का सेकंड फॉर्म टुक होता है. माई सेल्फ अवे, मुझे अपने आप को अलग कर देना चाहिए. उनके झगड़े के बीच में मुझे कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहिए या उनके झगड़े के बीच में मुझे अड़ंगा नहीं डालना चाहिए, नहीं तो हो सकता है मुझ पर ही कुछ हो जाए. तो उनके बीच में झगड़ा शुरू हो गया. यह उचित समय था कि मैं अपने आप को अलग कर लूं, मुझे अपने आप को अलग कर लेना चाहिए. यह सेंस निकल रहा है. इट इज हाई टाइम ही लेफ्ट बैड हैबिट. यह उचित समय है कि उसे बुरी आदत छोड़ देनी चाहिए. उसे बुरी आदतें छोड़ देनी चाहिए. चलो आदतें कर देते हैं. यह उचित समय है कि उसे बुरी आदतें छोड़ देनी चाहिए. कि लेफ्ट बैड हैबिट्स, ही शुड लीव बैड हैबिट्स. ग्रामेटिकल रॉन्ग है. स्पोकन में आप कहते हैं, सामने वाला समझ जाता है, बट ग्रामर कहती है कि इसके बाद आपको सेकंड फॉर्म लगाना है. लेकिन इट इज हाई टाइम टू लीव बैड हैबिट्स. ये उचित समय है कि तुम्हें बुरी आदतें छोड़ देना चाहिए. टू आ रहा है तो हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया. दैट्स ऑल. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आता ही आता है. स्पोकन में भी जरूरत पड़ती है. और आप जब किसी को कोई लेटर लिखते हैं, SMS लिखते हैं, ईमेल करते हैं, तब भी ऐसी बातें आ सकती हैं. आपको ध्यान देना है. मुझे उम्मीद है आपको ये सारा स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा. अब ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे न जाते हुए हम लोग ये समझ सकते हैं, कोई ऐसा वर्क है जो किया जाना चाहिए. सामने वाले को आगाह करते हैं, सलाह देते हैं कि बेटा या भाई साहब, ये वही समय है, ये उचित समय है कि तुम ये काम करो. उन लोग ऐसा उसको सेकंड फॉर्म में लगाते हैं. दैट्स ऑल. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. तो मुझे उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा. काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत ज्यादा उपयोगी था स्पोकन के लिए और कॉम्पिटेटिव ग्रामर के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए. तो दोस्तों, बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोगों के साथ और आपके डाउट्स के साथ. धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. और वही बात मैं आपसे कहना चाहूंगा दोस्तों, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए. दैट्स ऑल. थैंक यू.